वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, सेम उसी प्रकार अब ऑन डिमांड वाले बच्चों को भी प्रमोट कर दिया गया है। अब ऑन डिमांड वाले बच्चों का एग्जामिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं होगा। क्यों? देश में पता है, देश में मतलब कोरोना की महामारी इतनी बढ़ चुकी है कि अब एग्जाम कराना, कंडक्ट कराना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा, जो हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, वो भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो इस कारण, इस हालात में, देश के इस हालात में आप कैसे कोई भी एग्जामिनेशन हो सकता है, कैसे कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है? तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एनआईएस बोर्ड ने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया है। आज अभी जस्ट नोटिस आया है, तो मैं आपको नोटिस स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, आपको कोई भी शो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ नोटिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप किस बिहाफ पे आप प्रमोट हो गए हो, अब आपको भी कोई किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। जैसे कि पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चे भी अब एनआईएस के जो थे उनको प्रमोट किया गया था। साथ ही साथ हम इस नोटिस को समझते हैं और रिजल्ट के ऊपर भी कुछ एनालिसिस करेंगे कि रिजल्ट अब आपका कब आएगा और किस डेट तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो बात यह है, जो नोटिस में लिखा गया है, मैं आपको फुली एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। इन द व्यू ऑफ प्रिवेलिंग पैंडेमिक सिचुएशन इन द वेक ऑफ कोविड-19 स्प्रेड द ऑन डिमांड एग्जाम शेड्यूल। देखो, जैसे कि देश में कोरोना की महामारी बढ़ चुकी है, स्प्रेड कोविड-19 पूरी तरीके से देश भर में फैल चुका है, तो जो ऑन डिमांड के एग्जाम होने वाले थे, 19 मार्च से आपके एग्जाम होने वाले थे। कब तक एग्जाम होने वाले थे? 31 मार्च तक आपके एग्जाम होने वाले थे। कुड नॉट बी कंडक्टेड, आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं किया गया, क्योंकि मार्च में आपको पता है कि क्या हुआ था। आपको मार्च से ही लॉकडाउन हमारे भारत में स्टार्ट हो चुका था, मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 22 मार्च से। उसके बाद से देश भर में धीरे धीरे कोरोना के केसेस बढ़ते गए थे, तो उसी वक्त एग्जाम होने वाले थे। कौन से एग्जाम होने वाले थे? हमारे ऑन डिमांड वाले बच्चों के एग्जाम होने वाले थे। तो उस एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराया गया, अब ऑन डिमांड वाले बच्चों को भी प्रमोट कर दिया गया। तो कोई भी इशू नहीं होगा आपको कि अब ऑन डिमांड वाले बच्चे भी क्या हो गए, लाइकली प्रमोट हो गए, जैसे कि पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चे प्रमोट हुए थे। तो कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अब बात साथ ही साथ नोटिस में यह भी आया कि रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर सून, जो अब रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है वो जल्द डिक्लेयर होने वाला है। पब्लिक एग्जामिनेशन वाले को भी बच्चों का रिजल्ट और साथ ही साथ ऑन डिमांड वाले बच्चों का भी रिजल्ट जल्द डिक्लेयर हो जाएगा, अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि जो ऑन डिमांड वाले बच्चे थे, अब उन्हें किसी भी टाइप का एग्जाम नहीं देना होगा। ये तो बात हुई कि अब उन्हें भी प्रमोट कर दिया गया, अब आप लोग भी चैन की नींद ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात है कि अब रिजल्ट, जहां तक का अनुमान है कि रिजल्ट अब आपका 31 जुलाई के बाद ही डिक्लेयर होने की पूरी चांस है। क्यों? क्योंकि इस बिहाफ पे कहां जा सकता है, क्योंकि 31 जुलाई को, फ्राइडे को, आपको पता है कि कोर्ट में पेशी है, उसी में तय किया जाएगा कि अनफेयर स्कीम के रिगार्डिंग बच्चों को मार्क्स ना दिया जाए। जैसे कि आपको पता होगा, अनफेयर स्कीम के रिगार्डिंग बच्चों को कुछ बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा, जैसे कि पिछले अदर स्टूडेंट के रिगार्डिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा। तो इसके बिहाफ पे आपको पता होगा 31 जुलाई को कोर्ट में पेशी है, और इसी 31 जुलाई को कोर्ट में जब आपका ये फैसला आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट 31 जुलाई के बाद ही डिक्लेयर होने की पूरी चांसेस है। आप ये मान के चलिए कि अब एक ही, आज तो 29 जुलाई हो गया था, 29 जुलाई आज, और शायद एक दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर होना मुश्किल है, पर अब ये कहा जा सकता है कि 31 जुलाई के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन अभी भी ये चिंता का विषय बना हुआ है कि यदि रिजल्ट 31 जुलाई के बाद डिक्लेयर होता है, तो उस बिहाफ पे बच्चे इग्नू में कैसे एडमिशन ले पाएंगे, डीयू में कैसे एडमिशन ले पाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू की तो डेट ही 31 जुलाई है लास्ट डेट। आप ये मानता होगा, आपको पता होगा कि कई सारी यूनिवर्सिटीज 31 जुलाई के बाद अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि रिजल्ट लेट आएगा तो एडमिशन कैसे कराएंगे बच्चे, ये बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो इस बिहाफ पे ये हो सकता है कि शायद एग्जाम, शायद जो यूनिवर्सिटीज अपने डेट को पोस्टपोन कर दे, सॉरी अपने डेट को एक्सटेंड कर दे, क्योंकि यदि डेट एक्सटेंड हो गए तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि 31 जुलाई के बाद भी पूरा चांसेस है कि अब रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो। लेकिन ये है कि अब आपका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा, ऑन डिमांड वाले बच्चों का भी रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होगा, और पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों का भी रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होगा। क्योंकि हर एक बच्चा, किसी भी बच्चे, चाहे वो ऑन डिमांड का हो चाहे वो पब्लिक एग्जामिनेशन का हो, किसी भी बच्चे का साल वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि एनआईएस में कोई भी बच्चा आता है स्टडी करने के लिए, अपने साल को बचाने के लिए आता है, ना कि साल को वेस्ट करने के लिए आता है। तो हमारी मांग यही है, हमारी मांग गवर्नमेंट से ही है, आप डेली के बेसिस पर ट्वीट जरूर कीजिए, क्योंकि
आपका ट्विटर जो डायरेक्ट है वो गवर्नमेंट से लिंक होता है, ठीक है। अब डेली बेसिस पे, डेली बिहाफ पे दो ट्वीट जरूर कीजिए जिससे हमारी मांग गवर्नमेंट तक पहुंची जा सके। आप डेली बेसिस पे रिगार्डिंग ट्वीट कीजिए, एनआईएस को टैग कीजिए, एचआरडी मिनिस्टर को जरूर टैग कीजिए कि सर एनआईएस रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, इस हैशटैग को यूज कीजिए और जल्दी यदि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो बच्चों का साल जरूर बचेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी कोई अपडेट आती है तो रिजल्ट के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर। तो खुशियां बनाए रखिए क्योंकि ऑन डिमांड वाले बच्चे भी अब प्रमोट हो चुके हैं, कोई भी उनको दिक्कत नहीं आएगी। और मार्किंग स्कीम जैसे ही कोई आती है कि किस बिहाफ पे ऑन डिमांड वाले बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको नोटिस दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।